अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो फार्माकोग्नोसी और इसका जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इन्फ्यूज़न के बारे में पढ़ा, इन्फ्यूज़न की मुख्तलिफ जो यानी कि उसकी टेक्निक्स, इसके अलावा इन्फ्यूज़न का प्रोसीजर के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। फार्माकोग्नोसी के टॉपिक एक्सट्रैक्शन का जो सेकेंड अगर टाइप देखी जाए तो वो है मैसेरेशन। एक्सट्रैक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि एक्सट्रैक्शन जो होती है कि कोई भी क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग आप खाम अद्वियात को बोलते हैं और जिसके अंदर जो है अनप्योरीफाइड कंपोनेंट भी पाए जाते हैं और API भी होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि आप एज ए ड्रग के तौर पर लेते हो। तो क्रूड ड्रग जो है उसके अंदर से जो है API को अलग करने का जो प्रोसीजर है वो है एक्सट्रैक्शन। मींस के उसके अंदर से एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, जो आप एज ए ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हो, उनको अलग करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एक्सट्रैक्शन। अब अलग करने हम वो तो जो है क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी किया जा सकता है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू भी किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन से भी अलग किया जा सकता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन की क्या जो है खसूसियत है कि एक्सट्रैक्शन में हम सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, यानी कि API को क्रूड ड्रग्स में से अलग करने के लिए कोई सॉल्वेंट, कोई महलूल इस्तेमाल किया जाता है। और जो सॉल्वेंट होता है वो ड्रग की नेचर का होना चाहिए कि मींस के ड्रग उसके अंदर हल पजीर हो, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया जाए, तो ये होता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन हम कहते हैं कि ये एक केमिस्ट्री का प्रोसीजर है जिसमें हम किसी जो है क्रूड ड्रग को प्योरीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी। तो एक्सट्रैक्शन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी जो कि इन्फ्यूज़न है। इन्फ्यूज़न में हम कहते हैं कि सॉफ्ट नेचर ड्रग इस्तेमाल की जाती है जिसको हमें, जिसमें से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, ड्रग्स को कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ईजिली जो अपने एक्सट्रैक्ट को रिमूव कर देती है वो होते हैं सॉफ्ट नेचर ड्रग। उसको हम इन्फ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू जो है वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैसीरेशन। अब मैसीरेशन भी क्या है कि एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है जिसमें से जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को सॉल्वेंट की मदद के थ्रू जो है वो अलग किया जाता है और फिर उसके एक्सट्रैक्ट को आप एज अ मेडिसिन के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हो। तो मैसीरेशन का फ़र्क क्या है इन्फ्यूज़न से, कि सबसे पहले कि ये प्रोलॉन्ग टाइम है, उसमें तो हमने जो है 15 मिनट के अंदर ये एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेते हैं, इसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है कि ये दिनों में होता है, यानी कि कम से कम 2 दिन हमें इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 दिन, यानी कि 2 to 14 days होते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो कम से कम 2 दिन और मैक्सिमम आपको 14 दिन भी जो है एक्सट्रैक्ट को ड्रग से अलग करने में जो है रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैसेरेशन का प्रोसेस जो है वो क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर है। इसमें जो है क्रूड ड्रग जो है वो हार्ड नेचर भी आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि ड्रग की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ड नेचर ड्रग होती है तो वो इजीली अपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको सॉल्वेंट के अंदर रिलीज़ नहीं करती, तो उसको सॉल्वेंट के अंदर रिलीज़ करने के लिए ड्रग की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। ड्रग को या तो हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं या फिर कोर्स पार्टिकल, लेकिन मैसेरेशन के प्रोसेस के अंदर जो है प्रेफर पाउडर को किया जाता है कि ड्रग को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आओ। फिर दूसरी इसकी स्पेशल खसूसियत ये है कि ड्रग को एक पाउच के अंदर, आप कोई भी थैली ले लो उसके अंदर आपने ड्रग को डालना है, वो ज़्यादातर पोरस क्लॉथ होना चाहिए, मसामदार, जिसमें से इजीली जो है वो ड्रग और जो सॉल्वेंट है उसका कंटेक्ट हो सके और इजीली ड्रग सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो बीकर, जो भी कंटेनर है जिसमें आप मैसेरेशन का प्रोसेस करवा रहे हो, उसके अंदर ईजिली रिलीज हो सके। तो ड्रग पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए, ड्रग को पोरस क्लॉथ के अंदर आप लोगों ने इनक्लोज करना होता है, फिर उसके बाद जो पोरस क्लॉथ है उसको आप लोगों ने जो है डिप करना होता है, कोई भी क्रू ड्रग जिसके अंदर पोरस क्लॉथ है, जिसके अंदर क्रू ड्रग हो, उसको आप किसी कंटेनर, वो कंटेनर बीकर भी हो सकता है, कोई फ्लास्क हो सकती है, तो आप उसके अंदर उसको डिप कर दो। ज़्यादातर जो है बीकर यूज़ किए जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि मैं एटलीस्ट 2 to 14 days, यानी कि कुछ ड्रग जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर नहीं होती, वो अपने इंग्रेडिएंट्स को इजीली जो है वो पानी के अंदर या कोई भी आप जो मेंस्ट्रम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर रिलीज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए कम दिन चाहिए होते हैं।
मिनिमम 2 डेज में भी वो अपने एक्सट्रैक्ट रिलीज़ कर लेती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत हार्ड नेचर ड्रग है जो कि ईजिली जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती या मेंस्ट्रम के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो उसके लिए हमें 14 दिन तक भी जो है टाइम चाहिए होता है कि 14 दिन के अंदर वो अपना एक्सट्रैक्ट मुकम्मल तौर पे जो है उस मेंस्ट्रम के अंदर रिलीज़ कर देगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मींस के वो ड्रग जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट के अंदर मेंस्ट्रम के अंदर डिसॉल्व हो चुकी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो पोरस क्लॉथ होता है, जो पाउच होती है जिसके अंदर हमने ड्रग को डाल के फिर बीकर के अंदर सस्पेंड किया था और बीकर के अंदर पानी या कोई भी हमने मेंस्ट्रम ऐड किया हुआ था, फिर क्या करेंगे उस पाउच को जो है उस बीकर के अंदर, मीन्स कि अगर ये आप सपोज कर लें कि एक बीकर है, बीकर के अंदर पाउच आपने सस्पेंड किया हुआ है और एटलीस्ट कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर इस ड्रग ने जो है अपना एक्सट्रैक्ट उस जो बीकर के अंदर सॉल्वेंट है उसके अंदर रिलीज़ कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे, इस पाउच को रिमूव कर दोगे। रिमूव करने के बाद आपने इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, अगर पोरस क्लॉथ के अंदर से कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट के साथ साथ उस सॉल्वेंट के अंदर भी रिलीज़ हो गए हैं, तो फिर आपने पाउच को अलग करने के बाद उस फिल्ट्रेट को फ़िल्टर कर लेना और फिर यूज़ करना है। इसकी टाइप्स होती हैं मैसरेशन की, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और मल्टीपल मैसरेशन। ऑर्गेनाइज ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? ऑर्गेनाइज ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनके हम डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब बार्क, लीव्स या उसके जो रूट्स वगैरह हैं, स्टेम्स हैं, राइजोम्स हैं, तो जिनमें हम डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग्स। और जिनके अंदर जो है हम उनके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, मतलब कोई दरख्त है उसमें से हम कट लगा के उसमें से गोंद निकाल लेते हैं, रेजन निकालते हैं, किसी दरख्त का जो है जूस निकाला जाता है, तो वो होती हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। जिनके डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्गेनाइज, जिसके डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते पार्ट्स वो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं। तो सबसे पहले हैं ऑर्गेनाइज ड्रग्स, मतलब कि किसी प्लांट के हम लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं या रूट या उसके राइजोम को ऐसा ड्रग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे कि जो हमने ड्रग लिया, अगर वो लीव्स हैं तो उनको भी हमने क्रश कर देना, तोड़ फोड़ के उसको हमने कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करने, दानेदार होना चाहिए, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। लीव्स हैं या बार्क है तो उसको भी हमने जो है बारीक पाउडर में नहीं कन्वर्ट करना, दानेदार मोटा पाउडर जो है हमने बनाना है। फिर ड्रग के को पाउच में, उसी ड्रग को जिसको हमने कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट किया उसको हम एक पाउच के अंदर डाल देंगे, वो पाउच कोई भी सूटेबल मटेरियल का हो, पोरस होना चाहिए। फिर क्या करना है कि ड्रग की नेचर के हिसाब से हमने सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। सॉल्वेंट सेलेक्ट करने के बाद उस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम को हमने टैंक में डाल देना है, बीकर में डाल देना है, फिर उसके अंदर वो पाउच सस्पेंड कर देनी है, लटका देनी है जिसके अंदर हमने ड्रग डाली है। और जो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए कम से कम, सॉरी, ऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है ना वो 7 डेज होते हैं, कि ऑर्गेनाइज ड्रग्स अपने एक्सट्रैक्ट को 7 दिनों के अंदर रिलीज़ कर देती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उस पाउच को वक्तन फवक्तन जो है दिन में 1 बार 2 बार या 1-2 दिन के बाद हम उस पाउच को, वो जो टैंक के अंदर हमने लटकाया हुआ है उसको हमने शेक भी करना है, ताकि जो है उसके अंदर तमाम जो पार्टिकल्स हैं ड्रग के वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकें। 7 दिनों के बाद हमने क्या करना है कि उस पाउच को, कंटेनर या टैंक है उसे 7 दिनों के बाद उस पाउच को हम लोगों ने अलग कर लेना है, और पाउच को क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने की रीज़न क्या है कि पाउच के अंदर जो मेंस्ट्रम एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, पाउच के अंदर जो वेस्ट पार्टिकल है, अब पाउच के अंदर से सिर्फ एक्सट्रैक्ट ने जो है बीकर के अंदर आना है, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो पाउच के अंदर रहेगा। जब पाउच को, जैसे आप टी बैग्स को यूज़ करते हो, तो टी बैग्स जो है उसको आप रिलीज़ करने के बाद अगर उसको प्रेस करोगे तो उसके मुकम्मल तौर पे उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो दोबारा आपके कंटेनर के अंदर आ जाता है। टी बैग्स की ही तरह आपने जब पाउच को निकालना है तो उसको पहले आप प्रेस करो, ताकि जो उसके अंदर मेंस्ट्रम रह गया है वो भी कंटेनर के अंदर वापस आ जाए। और फिर प्रेस्ड सॉल्यूशन और जो एक्सट्रैक्ट, जो कंटेनर, जो बीकर के अंदर एक्सट्रैक्ट है और जो आपने प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन आया है, इन दोनों को मिक्सअप करना है। अगर पाउच जो है आप प्रेस कर रहे थे और उस दौरान पाउच जो है उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं
जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं तो हमें उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना पड़ता है। तो फिल्टर तब करने के अगर रिक्वायर्ड हो, और फिर वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम जो है वो डाइल्यूट चाहिए तो आप मज़ीद उसके अंदर मेस्ट्रम डाल दो, कंसनट्रेटेड चाहिए तो आप उसको एवेपोरेट कर लो, आपके पास वो गाढ़ी हालत में आ जाएगा। तो वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइज ड्रग्स की जो है मैसरेशन है, मैसरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग्स जिसमें हम डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल नहीं करते, उसके एक्सट्रैक्ट हम ले लेते हैं, या फिर हम कोई गम, कोई जो है ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या फिर जूस किसी चीज़ का, हमने कोई भी प्लांट है जैसे एलोवेरा है उसका जूस आप लेते हो, तो अगर इनकी मैसरेशन करनी है तो उनके लिए हमें ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो हमने कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट किया ना ऑर्गेनाइज में, इसे इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ड्रग है, सॉरी, इसमें कोर्स पार्टिकल बनाने हैं, इसमें फाइन पाउडर बनाने, और इसमें अगर एलोवेरा आप ले रहे हो जैसे जूस है किसी का, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसमें भी वही काम के ड्रग के अंदर, पाउच के अंदर ड्रग को आपने डाल देना है, फिर उसका सिर्फ 3/4 वॉल्यूम आपने मेंस्ट्रम का लेना है उस कंटेनर में, और उस पाउच को फिर उस मेंस्ट्रम के अंदर आपने डिप कर देना है। एटलीस्ट कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगते हैं ये एक्सट्रैक्ट के रिलीज़ होने में। इसमें जो है सिर्फ 7 डेज के बाद ही आपने पाउच को रिलीज़ करना है। फिर क्या है कि मेंस्ट्रम को 2 से 7 दिनों के बाद आपने मेंस्ट्रम के अंदर से पाउच को अलग कर लेना है, और फिर पाउच को इसमें प्रेस नहीं करना, और फिल्टर अगर रिक्वायर्ड है तो फिल्टर कर लें, और वॉल्यूम एडजस्ट करना भी अगर आप चाहते हैं कि आपको डाइल्यूटेड या कंसनट्रेटेड जिस फॉर्म में चाहिए तो आप उसका वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो। ट्रिपल मैसरेशन जो है इन दोनों टाइप से थोड़ी सी डिफरेंट है। ट्रिपल मैसरेशन के फ़ायदे ज़्यादा हैं। एक, इसका बेनिफिट ये है कि ये इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। दूसरा ये है कि ये एक्यूरेट होता है। थर्ड ये है कि जब आप ट्रिपल एक ही पाउच को आप मुख्तलिफ मेंस्ट्रम के अंदर, सॉरी, एक ही पाउच को सेम मेंस्ट्रम के अंदर आप बार बार जब डिप करोगे तो उसके अंदर से जितने जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो मुकम्मल तौर पे उस पाउच से रिलीज़ हो जाएंगे। और फिर इसमें हम जो मेंस्ट्रम यूज़ करते हैं, अल्कोहल भी हम यूज़ कर सकते हैं और वाटर, लेकिन प्रेफर अल्कोहल किया जाता है। इसमें भी ड्रग्स को पाउच के अंदर डाला जाता है। 2 टाइप्स हैं, डबल मैसरेशन एंड ट्रिपल मैसरेशन। डबल में क्या किया जाता है कि जो आप टोटल मेंस्ट्रम ले रहे हो ना, उसको आपने 2 कंटेनर्स के अंदर अलग अलग कर लेना। मींस कि अगर आपके पास 2 लीटर है, 2 लीटर आप मेंस्ट्रम ले रहे हो, तो आपने 1 लीटर एक बिकर में डालना है, दूसरा लीटर दूसरे बिकर में डालना है। ट्रिपल मैसरेशन में कि अगर आप 3 लीटर मेंस्ट्रम ले रहे हो तो 1 लीटर एक कंटेनर, वो बीकर भी हो सकता है, कोई टैंक भी हो सकता है, उसके अलावा दूसरा लीटर जो है वो दूसरे बीकर में डाल दें और थर्ड जो है थर्ड में डाल दें। मतलब कि टोटल मेंस्ट्रम को जो डबल मैसरेशन है उसमें 2 में हम डिवाइड कर लेते हैं, और ट्रिपल मैसरेशन में टोटल मेंस्ट्रम को 3 पार्ट्स में आप लोगों ने डिवाइड करना है, 3 पोर्शंस में अलग अलग कर लेना है। अब करना क्या है कि पाउच के अंदर आपने ड्रग को डाल दिया, उस पाउच को पहले आप मेंस्ट्रम, डबल मैसरेशन की बात हो रही है कि पहले मेंस्ट्रम ए के अंदर आपने कुछ वक्त के लिए उसको सस्पेंड कर देना है, वो 2 to 14 days हो सकते हैं। फिर यहाँ से पाउच आपने रिलीज़ करना है, कुछ जो टाइम के बाद आपने सेकंड में उसी सेम पाउच को सेकंड बीकर के अंदर आपने डाल देना है। सेकंड बीकर में जब आप डालेंगे तो 2 से 14 दिनों के बाद आपने पाउच को प्रेस कर लेना, और प्रेस करने के बाद पाउच जो है उसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको आपने फेंक देना है मर्क के तौर पर। इन दोनों बीकर्स के जो मेंस्ट्रम है उसको आप लोगों ने मिक्सअप कर लेना है। वॉल्यूम एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो करें, अदरवाइज फ़िल्टर करके आप यूज़ कर सकते हो। ट्रिपल मैसरेशन में आपने मेंस्ट्रम को 3 पोर्शन में डिवाइड किया, बीकर ए, बी और सी, इन तीनों के अंदर आपने बराबर मिकदार में मेंस्ट्रम डाल देना है। फर्स्ट पहले पाउच ए में मेंस्ट्रम डालना है, सॉरी पाउच फर्स्ट पाउच जो है मेंस्ट्रम ए में, फिर इसी को यहाँ से रिलीज़ करके बीकर बी में रख लेना है, बीकर बी से फिर इसी को बीकर सी के अंदर डाल देना है। जब आप बीकर सी से इस पाउच को निकालोगे तो पहले प्रेस करोगे,
फिर उसको फिल्टर करके वॉल्यूम एडजस्ट करोगे और लास्ट में इन तीनों को आप लोगों ने मिक्सअप कर देना है। तो ये आज हमारा टॉपिक था मैसुरेशन का, जिसमें हम जो है कोई भी क्रूड ड्रग है उसको एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं, लेकिन ये प्रोलॉन्ग टाइम होता है। और इसकी मल्टीपल टाइप्स ये हैं कि इसमें हम एक मिक्सचर जो है, एक मेस्ट्रम है, उसको थ्री पोर्शन में डिवाइड करते हैं।